कोरोना संक्रमण काल के दौरान खुद संक्रमित होकर भी लगातार कोरोना मरीजों की सेवा करने के बाद कई चिकित्सकों को सम्मानित किया गया था, लेकिन आज डॉक्टर सोमा राय सामने हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। और बता दें कि यह स्वयं संक्रमित हुई थी, जीवन और मौत के बीच जूझते हुए इन्होंने उस पर विजय पाया और पुनः कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा में लग गई। मैम, आज मुख्यमंत्री से आपको सम्मान मिला, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिन बाद मिला, लेकिन मिला ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, कितना मुश्किल था कोरोना काल में इस तरह से मरीजों के बीच काम करना और एक दहशत का माहौल, और खुद आप संक्रमित हुई थी, तो वो कितना डरावना पल था आपके लिए? बहुत ज़्यादा, खास करके जब आपके घर में एक बच्चा छोटा हो और एक बुजुर्ग हो, आपके पिताजी हो, उस समय बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन उस मुश्किल से निकल कर आज हम लोग खड़े हैं, अच्छा लग रहा है। मैम, इस दौरान डॉक्टर राजकुमार जो आपके हस्बैंड भी हैं, उनका किस तरह का सहयोग रहा? वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सहयोग रहा है उनका, लेकिन वो बाहर रहकर ज़्यादा सेवा करते हैं और हम खुद डॉक्टर हैं इसीलिए हम भी अपना घर खुद संभाल लेते हैं, लेकिन सर बहुत ज़्यादा सर का ये रहा, सहयोग रहा है। जिला प्रशासन ने देर सही सही लेकिन आपको याद तो किया और मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होकर कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, देर से ही सही लेकिन अच्छा लग रहा है, आज बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, तो आज सम्मानित होने वालों में डॉक्टर सोमा भी हैं और सबसे अहम बात यह है कि एक चिकित्सक होने के नाते इन्होंने जो अपनी सेवा दी, और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल अचेतावस्था में जाने के बाद भी ये अपने जीवन और मौत के बीच जूझते हुए इन्होंने अपने आप को रिकवर किया, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो लंबे समय तक छुट्टी पर रही, बल्कि तुरंत उन्होंने अपने आप को रिकवर करने के बाद फिर से मरीजों की सेवा के लिए अपना जीवन दांव पर लगाते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा की। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर सोमा ने जो कार्य किया है, अन्य जो चिकित्सक वर्ग के लोग हैं उनसे भी हम अपने चैनल के माध्यम से गुजारिश करेंगे कि जिस तरह से मानवता पर संकट आती है और वैसे में चिकित्सकों का रोल बढ़ जाता है, तो वो जिस तरह से इन्होंने अपना कार्य किया और आज इस कार्य का उन्हें कहीं ना कहीं सम्मान मिला है, तो आने वाले वक्त में हमें अन्य चिकित्सकों का भी इसी तरह का रोल देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी तरह की महामारी हो, तो इस बात की हम आशा तो ज़रूर कर सकते हैं। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, News 22 स्कोप, धनबाद। चार धामों में से एक रामेश्वरम धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर।